नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हितेश साहू। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के राष्ट्रीय आपदा वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बृजमोहन ने ऐसा क्यों कहा पता नहीं, लेकिन सभी जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल अन्न जल त्याग करने और महंगे सामानों का उपयोग न करने की कह रहे हैं। भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, उनके बयान से यह साबित कर दिया कि आम जनता की भाजपा को परवाह ही नहीं है। वही पूर्व मंत्री चंद्राकर के बयान पर चौबे ने कहा उनकी अपनी हालात पर चिंता करना चाहिए। पूरंदेश्वरी और शिव प्रसाद ने लगातार चाबुक लगाया, अपने पार्टी पर भी पहले टिप्पणी कर ली। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन जी अपने आदत के विपरीत ऐसा बयान किस फ्रस्ट्रेशन में दिए हैं वो जाने, लेकिन सारा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। रसोई गैस की महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, सारी महंगाई आसमान छू रहा है और देश की समूची जनता महंगाई से परेशान है। उसको पता नहीं किस लहजे में बृजमोहन जी अन्न जल त्याग करने की बात कह रहे हैं और उपयोग जो चीज़ महंगा है उसको उपयोग नहीं करने की बात कह रहे हैं। माननीय बृजमोहन जी स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं, डीजल केवल 1.5 साल में 30 रुपये का प्रति लीटर इजाफा हुआ है और प्रत्येक किसान को डीजल की महंगाई कितना चुभ रहा है। लागत मूल्य प्रति एकड़ की खरीफ की खेती का 1200 रुपया बढ़ गया है। अब बृजमोहन जी की सलाह मानेंगे तो कोई किसान खेती ना करें, और किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हमें कांग्रेसियों को अन्न जल त्यागने की सलाह देते हैं, फिर ये कुबेर पुत्र कहाँ से अन्न और जल पाएंगे। हम लोग जो सीधा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल व्यापारियों की पार्टी है, तिजोरीदारों की पार्टी है, अब बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए देश में बढ़ी हुई महंगाई पर इतनी खराब टिप्पणी बृजमोहन जी ने की है, उनकी टिप्पणी के लिए मैं निंदा करता हूँ।